दोस्तों, तरल आहार के फायदे क्या है? तरल आहार किसे लेना चाहिए? तरल आहार लेने से शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। तरल आहार शरीर के हर अंग जैसे किडनी, लीवर और मूत्राशय को साफ करने में मदद करता है। जब आप तरल आहार का पालन करते हैं तो आप जूस, रुसदी आदि पीते हैं। ये फल और सब्जियां शरीर को पोषण प्रदान करने में मदद करते हैं। लिक्विड डाइट से आप जल्दी वजन कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस डाइट प्लान में कैलोरीज और कार्बोहाइड्रेट्स की मात्रा काफ़ी कम होती है, इसलिए काफ़ी जल्दी कई सारी कैलोरीज घटा लेते हैं और वजन भी कम हो जाता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है। हालांकि खाने में कम कैलोरी आपके शरीर में चयापचय को धीमा कर देती है, लेकिन इससे आपको लंबे समय तक फायदे भी होते हैं। जैसे ही आप अपनी डाइट पूरी कर लेते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और आप कैलोरीज तेज़ी से घटा लेते हैं। यह आपको फिट रहने में मदद करती है। शरीर में विषैले तत्व बाहर निकालने जाते हैं। तरल पदार्थ लेने से शरीर में मौजूद विषैले तत्वों को बाहर निकालने में मदद मिलती है। जैसा कि पहले भी बताया, शरीर का पोषण प्रदान होता है। जब आप तरल आहार का पालन करते हैं तो आप जूस जैसी चीज़ें लेते हैं और ये शरीर को पोषण देते हैं। अगर आप तरल आहार योजना का पालन कर रहे हैं तो आप फल और सब्जियां, इस तरह की चीज़ें, मिल्क शेक जैसी चीज़ें ले सकते हैं। दोस्तों, निरोग रहने के लिए खाने से कहीं अधिक हवा से ऊर्जा मिलती है, जबकि लोगों का मानना है कि शरीर को खाने से ताकत मिलती है। खाना शौकिया तौर पर खाना चाहिए, मनोरंजन के रूप में नहीं। अधिक खाने से अनिद्रा, ब्लड प्रेशर जैसी बीमारी को बल मिलता है। अगर खाने में संयम बरता जाए तो एसिडिटी से बचा जा सकता है। हम लोग भौगोलिक दृष्टि से गर्म जगह पर रहते हैं, खाने की ज़रूरत कम, पानी की ज़रूरत अधिक होती है। बदलते मौसम में व्यायाम करके अपने शरीर को ऊर्जावान बनाए रखने के साथ ही अपने भोजन में ऐसी चीज़ों को शामिल करें जो ज़रूरी होगी, जिनका कम मात्रा लेने पर भी उनके शरीर को भरपूर कैलोरी मिले। पेश है ये ऐसे पांच आहार। जी हाँ, आपको सुबह व शाम के भोजन सलाद के लिए एक सुरक्षित अवस्थान होना चाहिए। यदि आप कम कैलोरी और हाई फाइबर वाला फूड लेना चाहते हो तो सलाद आपके लिए बेहतर है। उसके अलावा नेचुरल एंजाइम्स और फाइबर्स भी होते हैं यहाँ सलाद के अंदर, जो शरीर के कोलेस्ट्रॉल को कम करने के साथ भोजन में पाचन के सहायक होते हैं। इसके अलावा नियमित भी रहता है। दूसरी बात करें अगर दालों की, दालों में प्रोटीन